आरोपी ने वाड़ी थाना क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर पर युवक पर कैंची से हमला कर घायल कर दिया था, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को दत्तावाड़ी के माउली मेडिकल स्टोर पर आरोपी नवीन इंद्रदेव सिंह कलेर उम्र 40 फरीदाबाद तगम थाना भोपाली हरियाणा निवासी ने 14 मार्च रात 10 बजे शराब पीकर आया था। दवा मांगने के बाद वह मेडिकल स्टोर पर ग्राहकों से बहस करने लगा। नशे की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया था। फरियादी के दोस्त को धक्का मारा। धक्का क्यों मारा यह पूछे जाने पर कि फरियादी घायल स्वप्निल भारत शेदामे उम्र 27 वर्ष आशादीप सोसाइटी दावा निवासी से बहसबाजी हुई। बहस विवाद में बदल गया। आरोपी नवीन इंद्रदेव सिंह कलेर ने मेडिकल स्टोर के काउंटर पर रखी कैंची पकड़ ली और कैंची से फरियादी स्वप्निल भारत शेदामे के छाती और हाथ पर कैंची घोपी और उनकी छाती और हाथ को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। आरोपी नवीन इंद्रदेव सिंह कलेर उम्र 40 साल हरियाणा के खिलाफ धारा 324 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।